आइए मैं आपको यूपी दनाना फॉरवर्ड 56 बटालियन के इलाके में बने हुए नए ओपी टावर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। आप देख रहे होंगे कि एक अत्याधुनिक सुविधाओं से बना हुआ ओपी टावर है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ डिफेंस का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बिल्कुल एक चढ़ने के लिए मजबूत सीढ़ी दी गई है। सर्वप्रथम मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर का टेम्परेचर कितना डिग्री चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि बाहर का टेम्परेचर 40.1 डिग्री चल रहा है। अब आपको मैं इसके अंदर की तरफ लिए चलता हूँ। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि इसके अंदर की तरफ 23.1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब मैं आपको इस ओपी टावर के अंदर में क्या क्या सुविधाएं दी गई है उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जवानों के रेस्ट एंड रिलीफ के लिए एक राइफल रेक दी हुई है, साथ में उसका टेलीफोन, उसका टेम्परेचर वॉच, रेडियो सेट व ओपी लॉग बुक, टावल हैंड इसकी फ्रंट वाली टेबल पे रखा गया। आप फ्रंट वाली टेबल देख रहे हैं, इसके अंदर सैंड व ब्लॉक्स लगाए हुए हैं जो कि उसको किसी भी प्रकार की बुलेट वगैरह से बचाएगी। दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि चाय का सामान व बिस्किट, इलेक्ट्रिक केटली व नीचे की तरफ एक मिनी फ्रिज रखा हुआ है, जहां पे जवान अपना पानी व पानी की बोटल्स वगैरह भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि जवानों का देखने के लिए एक शीशा लगाया जा रखा है व फायर का ध्यान रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं। वह दीवार के अंदर जवानों के लिए एसी लगाया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जवान यहां पर कुर्सी पे बैठ के बैनाकूलर से अपने इलाके को देख रहा है। मैं जवान से पूछना चाहूंगा, कांस्टेबल राजेश ढाका, आपको इसमें नए ओपी टावर में ड्यूटी देके कैसा महसूस हो रहा है? राजस्थान के गर्मीले रेतीले इलाके में धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिससे जवान ड्यूटी करता है तो उसको चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होती है, लेकिन इस ओपी टावर में ड्यूटी करने में कार्य क्षमता में बहुत सुधार आया है और अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में कार्य करने की क्षमता अव्वल दर्जे की हो रही है, इससे हमारे हौसले में भी बढ़ोतरी होती है। हमारे को महसूस होता है कि सीमा सुरक्षा बल आधुनिकता की ओर बढ़ने में कोई कदम पीछे नहीं है। अभी आपने सुना कि जवान का मोराल कितना आई है। आप देखेंगे कि इसके बाईं तरफ व दाहिनी तरफ दो मोर्चे भी बनाए हुए जो कि इसकी आधुनिकता के साथ साथ इसके डिफेंस का भी पूरा ध्यान रखते हैं।